subject combination. नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूईटी एग्जाम्स देने के बाद वो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपके कैरियर डेवलपमेंट या कैरियर प्लेसमेंट में आपको बहुत ज़्यादा लाभप्रद और बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप भी देखिएगा, अपने छोटे भाई बहन को भी दिखाइएगा, क्योंकि जो लोग 11th में होंगे या 12th में होंगे उनका भी दिमाग का मानस पटल खुलेगा, वो भी समझ पाएंगे कि आगे वो अपना कैरियर किस सेक्टर में ले जा सकते हैं। तो बेसिकली ऐसे वीडियोज आपको ज़्यादा देखने चाहिए। जब भी यूट्यूब अगर आप चलाते हो तो मुझे लगता है ना कि आपको ऐसे वीडियोज में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके कैरियर से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। अगर आप सही कैरियर काउंसलर से सही काउंसलिंग करा लेते हो, अगर आपको सही गाइडेंस सही रास्ता दिखा देते हैं, तो आपका आने वाला जो भी 70-72 साल है वो 7 जन्मों तक अच्छा जा सकता है, 7 पीढ़ियों तक आपका एक विकास होता रहेगा। क्योंकि आप आगे बढ़ जाओगे ना, तो जहां पे आपका जीवन बंद होगा आने वाली पीढ़ी वहां से आगे बढ़ेगा। आप अगर यहां हार मान के बैठ गए, सपोज आप कुछ नहीं कर पाए, आप कुछ नहीं कर पाए तो जो आने वाली पीढ़ी है ना, आप उनको लिए ना वो चीज छोड़ दिया है जो आप कभी नहीं कर पाए, यानी वो फिर से बेसिक से शुरू करेगा। तो आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कि आप कुछ ऐसा कर दो कि जब वो आए तो वो उसके आगे उसको बढ़ाएं, ना कि इसको पीछे ले जाएं, ठीक है। तो बेसिकली कैरियर काउंसलिंग के जो वीडियोज हैं वो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से, और बनाने वाले जो हैं वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, 50 साल 60 साल के हैं, 40 साल 42 साल के हैं, वो स्कॉलर्स हैं, तो कोई बहुत बड़े किसी जॉब सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखो, लेकिन इस वीडियो को इसलिए देखना क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक स्पेशल चीज़ बताऊँगा, वो मैं बताऊँगा अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। यानी जब मैं यहाँ पे BHU में आया तो मैंने कौन सी गलतियाँ करी थी, और मैं कौन से कॉम्बिनेशंस को चूज करता कि मुझे जॉब मिल जाता, और मेरे दोस्तों ने वो कौन से कॉम्बिनेशंस को चूज किया जिससे कि आज उन्हें बीए करने के बाद, यानी समझ रहे हो ना, 6,000 रुपए पूरे 3 साल में देने के बाद वो 50 से 60,000 रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात है, इतना पैसा लगाने के बाद बीटेक वालों को भी फर्स्ट 2-3 ईयर्स में प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है आज के समय में। सो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। BHU पाठशाला के चल रहा है मिशन काउंसलिंग, जिसमें हम लोग 100 वीडियोस देंगे और आपको BHU पाठशाला को ले जाना है 100K। मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छे बनाते हैं तो आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी मैं आपका यहाँ पे सीनियर रहूंगा, BHU में ही आओगे, आपका ही परिवार है, आप सपोर्ट करोगे तो आप इसका हिस्सा बनोगे कहीं ना कहीं, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने भी आप इसमें एक इस इमारत में एक ईंट आपने भी रखी है, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो कैरियर है उसको मैंने बेसिकली 3 फंडामेंटल बेसिक चीजों पर डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च स्कॉलर, यानी जो टीचिंग प्रोफेशन है ये एक बहुत ही क्रीम जॉब है, समझ रहे हो, बहुत क्रीम जॉब है, और बहुत सारे लोगों का इसमें एक मन होता है जाने का। और मुझे इस टीचिंग रिसर्च वाली बात पे एक याद आ रहा है, जब मेरे क्लास में क्लास 9th या 10th में जब मैं पढ़ रहा था, नवोदय विद्यालय में था, वहाँ पे एक टीचर्स ने इंट्रोडक्शन शुरू किया, तो जस्ट उसमें क्या बताना था आपको, आपका नाम क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हो और आप क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है, ये 3 चीज़ें पूछी गई थी उस समय क्लास में। मेरे उस 80 बच्चों की क्लास में सिंगल एक लड़की ने, अंबिका गुप्ता, वो सिंगल एक लड़की ने कमेंट किया था वहाँ पे अपने नाम के साथ कि सर मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और मुझे लग रहा है ना बहुत सारे बच्चों ने हंसा था, लेकिन टीचर बनना अपने आप में सबसे बड़ा काम है। आज के समय में टीचर को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो कुछ नहीं बन सकता है तो जाकर टीचर बन जाता है, बट अगर आप एम बना के टीचर बनते हो तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप आने वाली पीढ़ी को वो चीज सिखा पाओगे जो कि मतलब आज के समय में नहीं, क्योंकि ये लोग जो टीचर बन रहे हैं, आपको मैं पहले बता चुका ना ये लोग क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ मिला नहीं, जनरली ऐसा ही हो रहा है ना, ये कुछ बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते हैं, फिर वो चले जाते हैं टीचिंग सेक्टर में, इसीलिए वो चेयर तोड़ते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं ना पढ़ाते हैं, बस वो एक तरह से लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं, मैक्सिमम ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ टीचर अच्छे भी हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। सो प्लीज़ इस सेक्टर में जाने वाले बच्चों के लिए पहले से ही एक यहाँ पे
अटेंशन है, एक वार्निंग है कि आप अगर इसमें जाते हो आपके पास वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप इस सेक्टर के लिए बने हो कि नहीं बने हो। दूसरा यूपीएससी वन ऑफ द मोस्ट, मतलब पूछो ही मत, आज के समय में जब से रील्स बनने शुरू हो गए हैं यूपीएससी जो भी टॉपर्स हैं इसका तो स्टार्टअप कुछ और ही ज्यादा बढ़ गया है। तो यूपीएससी पे हम लोग एक अलग स्लाइड पे बात करेंगे। उसके बाद है वन डे एग्जाम्स यानी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, यानी ऐसे एग्जाम जिसको आप एक दिन जाते हो, देते हो और फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आपको बेसिक चीजें जैसे कि फिजिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी इंटरव्यू के द्वारा फाइनली आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी सैलरी होगी 40, 50, 60 इस तरीके से। ठीक है, अब हम लोग आगे स्लाइड में चलते हैं। ये यूजी लेवल पे था। एक उसके बाद आता है बिजनेस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वो तमाम जॉब्स को छोड़ के बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बिजनेस में अपना खुद का कुछ भी बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई बहुत अच्छा बिजनेस है, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करने का मतलब होता है आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ। पढ़ाई करने का मतलब होता है आप कितने जागरूक हो, समझ रहे हो ना, मतलब आपके अंदर ये चीज समझ में आ गया कि नहीं कि आप यहां क्यों हो, आपके अंदर इंसानियत, काइंडनेस, ऑनेस्टी और आपके पास जागरूकता हो, सही गलत की पहचान हो, यही तो नॉलेज है, यही तो ज्ञान है। तो बिजनेस स्टेबलाइज करना भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आज के समय में बहुत ज्यादा स्कोप इसका बढ़ चुका है, चाहे वो यूट्यूब चला के लोग अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर रहे हो। आज के समय में ग्रेजुएट चाय वाली आप देख रहे हो बहुत ज्यादा आइकॉनिक पर्सन बन चुकी है, उसे एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट किया जा रहा है। एमबीए चाय वाला वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट फेमस बिजनेसमैन, मतलब अभी स्टार्टअप में, और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है, अब हम लोग एक चीज को समझते हैं फॉर टीचिंग। टीचिंग के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टीचिंग जॉब्स के, क्योंकि गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में जाते हो तो सैलरी अच्छी मिलती है, प्राइवेट में वो सैलरी नहीं है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट टीचिंग में जाना चाहते हैं। और वहाँ फैसिलिटी भी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, रेजिडेंस भी मिलता है, और भी गवर्नमेंट के ट्रैवल और जो भी एक होता है उन लोग का एक कॉम्बो पैक वो आपको मिल जाता है गवर्नमेंट टीचिंग सेक्टर में। इसीलिए लोग जनरली प्रीफर करते हैं कि उनको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनाया जाए। इसमें आपको सबसे पहले तो 12वीं के लेवल पे यानी 10+2 के ही लेवल पे टीचिंग मिल जाता है। प्राइमरी वगैरह का अगर आप बीटीसी बीएड वगैरह कर ले रहे हो तो आपको वहां पे टीचिंग प्रोफेशन मिल जाता है। यानी जो प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं वो हर स्टेट में होता है, हर स्टेट का अपना होता है, बस उन लोग के ग्रेड पे यानी टीचिंग के जो पेमेंट होते हैं वो कम बेस। जैसे बिहार में अगर आप टीचर बनते हो तो मुझे लग रहा है वहां पे ज्यादा पेमेंट नहीं है, 20-25 हज़ार जो भी होगा। लेकिन अब अगर यूपी में टीचर बन जाते हो तो आपके आगे डीएम फेल है, इतना ज्यादा समझ रहे हो ना। तो मतलब ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहता, मेरे घर वाले भी जुड़े हुए हैं इन सब चीजों से। तो दूसरा है जेएनवी एंड केवी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये दो ऐसे बच्चे हैं, जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड ये स्कूल है। और यहाँ पे अगर आप टीचर बनते हो तो आपकी बहुत अच्छी सैलरी है। अब इन दो स्कूलों में दो वैरायटी के टीचर्स होते हैं, एक होता है एक्टिविटी टीचर यानी एक्टिविटी टीचर, और दूसरा होता है सब्जेक्ट टीचर। एक्टिविटी टीचर मतलब होता है जैसे पीईटी टीचर जो होते हैं, ड्राइंग टीचर जो होते हैं, लाइब्रेरियन जो होता है, जो पढ़ाते नहीं है, जो कि बस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि बुक्स इशू करना, बुक्स सबमिट कराना, बच्चों को ग्राउंड में ले जाना, उनको गेम्स कराना और ड्राइंग बनवाना, ये सब चीज़ें, इसी में मेडिकल वाले भी आते हैं। तो ये एक्टिविटी टीचर्स होते हैं। इसके लिए भी आपको अभी से दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि यूजी में आप ये पढ़ाई करोगे तो आप लाइब्रेरियन बन जाओगे, क्योंकि लाइब्रेरियन एक बहुत अच्छा जॉब है, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से पीईटी टीचर, फिटनेस, कितना मजेदार जॉब है, मुझे तो सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन की लाइफ लगती है, बहुत मजेदार है। तो वो, और फिर उसके बाद ड्राइंग टीचर, हॉबीज है, ड्राइंग बनाओ और बच्चों को सिखाओ, ये बहुत अच्छा। सब्जेक्ट टीचर जैसे कि मैथ्स के, फिजिक्स के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इन सब सब्जेक्ट से टीचर आप बन सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे देखते हो, वो है प्रोफेसर्स की जॉब। प्रोफेसर्स के लिए आपको यूजी के बाद पीजी करना पड़ेगा, पीजी के बाद आपको नेट जेआरएफ या फिर उस यूनिवर्सिटी में अगर कोई और भी गेटवे बना हुआ है तो उसके थ्रू आप रिसर्च कर सकते हो, और उस रिसर्च के द्वारा आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे इसमें लेक्चर वगैरह वगैरह बन सकते हो। ठीक है, यूपीएससी, यूपीएससी के स्लाइड को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक और चीज जो कि आपको यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि मैंने ना देखो अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग करूंगा तो आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सर्च करना है BHU पाठशाला, ठीक है, नीर सर, एक मिनट, ओके,
नीर सर, ओके यार इतना एक्चुअली नज़दीक से दिखता नहीं है ना, नीर सर UPSC डाल देना, UPSC और फिर सर्च कर लेना, तो एक वीडियो आएगा मेरा, मुझे लग रहा है ऊपर ही आ जाएगा UPSC की कोचिंग, और एक वीडियो मेरा है बहुत ऊपर ही है क्या, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो ये इंटरव्यू मैंने लिया है, ये UPSC इन्होंने भैया ने CAPF में फर्स्ट रैंक लाया है, BHU से UG करके इनका फर्स्ट रैंक है, इनका इंटरव्यू देखो मैंने लिया है, 1 घंटा 17 मिनट का इंटरव्यू है, और ये कभी सुन लेना आप लोग ठीक है, और फिर एक वीडियो मैंने बनाया भी है UPSC का यार, एक मिनट, कई सारे मेरे UPSC के टॉक हैं, एक वीडियो स्पेशली UPSC पे बनाया गया है, UPSC कैसे करें, चलो उसका लिंक मैं डाल दूंगा ढूंढ के, अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं उसको ढूंढ के, देखो यहाँ पे है कॉम्बिनेशन ठीक है, ये देखो ये BA के लिए कॉम्बिनेशन देख लेना, वो वीडियो मिल नहीं रहा है, ओके चलो मैं क्या करता हूँ उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। UPSC में सबसे पहले बच्चे जो कंफ्यूज हैं वो है साइंस आर्ट्स और फ्री फ्रॉम बोथ, यानी उनको ये लगता है बच्चों को कि अगर आप आर्ट्स से लेके पढ़ोगे तो आप UPSC ज़्यादा इजिली क्रैक कर सकते हो, लेकिन अभी अभी आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो मुझे लग रहा है साइंस बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, चाहे मेडिकल के हों चाहे इंजीनियरिंग वाले हों, आर्ट्स वाले भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एज कंपेरिजन इनके वो कम ही कर रहे हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, वो आराम का रास्ता चूज करते हैं। मैं समझता हूँ UPSC सब 100% बस मेहनत का ही काम है, स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड स्टडी, इसके अलावा इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो UPSC के लिए जनरली आज साइंस बच्चे क्यों ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही हार्डवर्क करते हैं यार, उनको पता है कि पेन की स्याही कैसे खत्म करनी है। आर्ट्स वालों के पास भी पढ़ाई का अपना अच्छा प्लानिंग है, ऐसा नहीं आर्ट्स वाले नहीं पढ़ते, लेकिन वो कंपैरिजन किया जाए तो उनका जो सिलेबस है वो उतना हार्डवर्किंग नहीं है। ये लोग काफी ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, चाहे मेडिकल की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई में यदि आप जो आपका कोर्स है UG लेवल का उसमें 50% नहीं पाते हो तो आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं उनको इतने प्रेजेंटेशन असाइनमेंट करने होते हैं, प्रोग्रामिंग करना होता है, इतने ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है उन लोग के UG लेवल का सिलेबस कि उनको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है और वो मेहनत की लत लगी रहती है। यही रीज़न है कि UPSC में इजली वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत की जो कैपेसिटी है ना वो बरकरार रहती है, बस उससे आगे बस उनको सिलेबस चेंज करना है, बस इतना ही करना रहता है। अब आर्ट्स में एक प्रॉफिट ये हो जाता है कि जो GS पेपर होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट्स ये जनरली इस आर्ट्स में आते हैं, और ये GS में आपको एज इट इज मिल जाएंगे GS पेपर की तरफ पे। फिर इथिक्स भी है, ऑप्शनल भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे ऑप्शनल GS के तौर पर आप जो लोगे, यानी GS जो लोगे वही इन सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस भी ले सकते हो। यानी मान लो आपने हिस्ट्री लेके पढ़ाई किया तो वही हिस्ट्री आपको यहाँ मिलेगा और वही GS में मिलेगा और वही हिस्ट्री आप एज ए ऑप्शनल में भी ले सकते हो। तो ये एक फायदा हो जाता है, ये आपको डिसाइड करना है उस वीडियो को देख के। फिर उसके बाद इन दोनों से अलग, यानी आज के समय में क्या है कि ऐसा नहीं है आप मैनेजमेंट वाले हो तो भी आप जा सकते हो, ये आप एकदम फ्री हो। पहले ऑप्शनल के लिए कंडीशंस होते थे, UG में आपका होना चाहिए, अभी वो कंडीशंस भी नहीं है, यानी आप किसी भी सेक्टर से आते हो आप फ्री हो ऑप्शनल लेने के लिए, आप ऑप्शनल में कोई भी चुने हुए सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें से आप ऑप्शनल लेके पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 1-डे एग्जाम्स में, स्टेट एग्जाम्स हो गए, यानी PCS हो गया, किसी भी स्टेट का, चाहे झारखंड का हो, चाहे किसी का हो, बिहार का हो, UP का हो, तो आप स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। SSC CGL का पैटर्न बदल गया है, रिटेन हट गया है, ध्यान देना, तो CGL भी एक अच्छा ऑप्शन हो गया। बैंक ठीक है, रिटेन था तो भी अच्छा था, रेलवे हो गया, उसके बाद किसी भी स्टेट की जो पुलिस होती है, चाहे UPP में अगर आप आते हो तो धाकड़ जॉब है, पैसे अच्छे हैं, बाकी दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत बेस्ट है क्योंकि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का पेमेंट है। फिर उसके बाद किसी भी स्टेट का आता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो 1-डे एग्जाम्स के लिए, पहले से प्लान करना पड़ेगा। ये जो 50,000 का कोर्स है यानी सिलेबस है वो कौन से सब कॉम्बिनेशन हैं, तो आप कमेंट करके बताओगे कि सर आपको ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि BHU में ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो कि 50,000 सैलरी आपको बस पास आउट होते ही दिलवा देंगे, यानी 3 साल बाद आप पर मंथ 50,000 से 60,000 कमा सकते हो। वो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, आप कॉमेंट करके बताओ आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जो तीनों आपने सब मेन फंडामेंटल चीज़ें देखी, चाहे टीचिंग के लिए, चाहे UPSC के लिए, चाहे 1-डे एग्जाम के लिए, उनके लिए कॉम्बिनेशन कैसे होने चाहिए। ठीक है,
देखो आज मैं आपका दिमाग का दायरा खोल रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं आपको फ्री कर रहा हूँ कि आप अपना ये दायरा बढ़ाओ, यानी आप अपना दिमाग आज खोल दो, क्योंकि मैं चाहता था मैं डायरेक्टली बोर्ड पे लिख देता जाओ यार ये चूज कर लो, मैं ऐसा क्यों करूँ, नहीं मैं क्यों करूँ, मैं क्यों बताऊँ, मेरा काम है आपको डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि बहुत रिस्क वाला काम है ना, मेरे कहने पे आप वो ले लो इससे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं हो सकता है, मेरे कहने पे खुद सोच के तब आप लेते हो, तब समझदार इंसान हो, ठीक है, तो प्लीज समझदार बनना, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये BHU यूनिवर्सिटी का है, मुझे होपफुली लगता है हर यूनिवर्सिटी का ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन होता होगा, जिसमें एक कॉम्बिनेशन यहाँ यानी एक सब्जेक्ट यहाँ यानी S1 आप यहाँ नोट कर लो, ठीक है, ओके, यहां पे S2, ठीक है, यहां पे S2 और यहां पे आपका S3, यानी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी ये जो पहला वाला S1 है ये आपको काउंट कराता है एज ए ऑनर्स, ये कॉम्बिनेशन में जो पहला नंबर पे सब्जेक्ट्स है ये आपको तीनों साल पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक लिबरल है, लिबरल फैक्ट है, वो है कि S1, S2, S3 तीसरे साल में इंटरचेंज हो सकता है, यानी आप मान लो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, आप सपोज यहाँ पे हिस्ट्री लियो, ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री लियो, यहाँ पे आपने ज्योग्राफी लिया है और यहाँ पे कोई लैंग्वेज लिया है, हिंदी लिया है सपोज, ठीक है, अब आप अभी कॉम्बिनेशन जो चूज कर रहे हो आप हिस्ट्री को लेके चूज कर रहे हो, आपका बाद में कैरियर बदल गया, आप सोच रहे हो अरे यार हमें ज्योग्राफी करना है, हमें लैंग्वेज, सपोज कि आपको लग रहा है कि मुझे हिंदी साहित्य से UPSC देना है, लिटरेचर चूज करना है, तो इस लिटरेचर को मुझे तीनों साल पढ़ना चाहिए, तो आप इस हिंदी को आप यहां पे ला सकते हो, उसके लिए बस आपको सेमेस्टर्स में मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे, यानी आपको अपनी CGPA को मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है तो आप अभी से यहां पे हिस्ट्री लेके चलना, जिससे तीनों साल आपको बदलना ना पड़े, लेकिन हां यहां पे इस वाले सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ना पड़ता है, बाकी 2 को आपको 2 ही साल पढ़ना पड़ता है, ये 2 सब्जेक्ट्स आपको 4 सेमेस्टर के बाद यानी 2 साल के बाद हट जाएगा, आपको बस इस सब्जेक्ट को पढ़ के एग्जाम देना होता है, बाकी यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यहां पे एक एडिशनल लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, चाहे साइंस में आओ चाहे कहीं भी आओ वहां लैंग्वेज नहीं पढ़ना पड़ेगा, जैसे आर्ट्स या सोशल में रहते हो तो लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, साइंस में जाओगे तो वहां पे कोई एंसिलरी सब्जेक्ट्स या कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको लेके पढ़ना पड़ेगा, यानी जो एग्जाम्स होते हैं हर के 2-2 होते हैं, हर सेमेस्टर में हर के 2-2 एग्जाम, 2-2-2 यानी 6 और आपका एक एग्जाम किसका होगा यानी 7 पेपर, कभी कभी किसी में 8 भी होता होगा, हर का अपना अलग अलग है, मैक्सिमम लगभग 6-7 मिनिमम इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे चूज करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे देखो आपने इस स्लाइड को देखा था, ये 3 थे टीचिंग, UPSC एंड वन डे एग्जाम्स के लिए, अब आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन फिट करो जिससे आपका कभी आपको लगे कि आप ये तीनों बन सकते हो या आप तीनों नहीं बन सकते हो, सबको जैसे आपको अभी एक लड़का है वो क्या सोच रहा है कि यार मैं UPSC भी ट्राई कर सकता हूँ, मैं वन डे एग्जाम में भी जा सकता हूँ, मैं टीचर भी बन सकता हूँ, यानी क्योंकि तीनों बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, अगर आप कैपेबल हो, आप मतलब मजबूत हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों से लड़ाई लड़ सकते हो, तो ऐसे में आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस कम से कम इन तीनों में रखना पड़ेगा जो कि किसी न किसी तरीके से उन तीनों प्रोफेशन को बेनिफिट दे, जैसे कि मान लो आपने ले लिया यहाँ पे हिस्ट्री, सपोज यहाँ पे आप ले लिए हिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, हिस्ट्री ले लिया, अब ये हिस्ट्री जो है आपके UPSC में काम आ जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप हो सकता है हिस्ट्री के टीचर बन जाओ, यानी मास्टर्स करके आप उस हिस्ट्री से रिसर्च करके आप इसको आप प्रोफेसर बन जाओ, और इस हिस्ट्री से यहां तक तो आपका डेवलपमेंट दिख रहा है लेकिन आगे नहीं दिख रहा है, अब हम लोग इसको इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स ले लिए आप, इकोनॉमिक्स अगर आप ले लिए तो आपको यहां पे एक आपका एक इकोनॉमिक्स तो UPSC में ऑप्शनल और GS पेपर में चला गया, एक इकोनॉमिक्स आपको टीचर बना दिया और एक टीचर आपको बिजनेस आइडिया भी दे सकता है, ठीक है, उसी तरीके से आप इसको और भी सब्जेक्ट्स को ऊपर रख के देख सकते हो। कॉम्बिनेशन को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं वो बताता हूं, एक सब्जेक्ट्स रखना चाहिए, एक आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स रखना चाहिए और एक आपको लैंग्वेज रखना चाहिए। अब आप सोच रहे हो सर स्टार्टिंग के 2 सब्जेक्ट्स कैसे चूज करें, तो एक मैंने आपको बताया अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स रखिए, एक आप हमेशा रखिए जिससे कैरियर बन सकता है, उसका भी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, सपोज कि आपने ले लिया एक हिस्ट्री, ठीक है, फिर से हिस्ट्री लिया, एक आपने लिया ज्योग्राफी और एक आपने जैसा मैंने आपको यहां बताया हिंदी ले लिया, ठीक है, तो आपको लगता है कि हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर आपको लगता है कि हाँ ज्योग्राफी
आपके ऑप्शनल एंड जीएस में काम आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शनल हमेशा एक तरह से दो लेके चलना चाहिए। वैसे आजकल ऑप्शनल के आसान तरीके भी हो गए हैं बहुत सारे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हिंदी साहित्य दृष्टि आईएएस जो है इतना फेमस कर दिया है कि हिंदी साहित्य के बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर उसमें अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहे, इंग्लिश बच्चे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। तो आप ऑप्शनल में देख सकते हो कि आपके पास यानी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी कि सिलेबस थोड़े कम है, ठीक है, जैसे फिलॉसफी, तो उसका जो है ना फिलॉसफी उस एज इट इज नहीं है, वो इथिक्स के फॉर्मेट में है, ठीक, इथिक्स एंड एप्टीट्यूड, तो वो उसका सिलेबस क्या है, छोटा है। तो सिलेबस छोटा होने की वजह से आप हिंदी साहित्य के साथ उसको भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पर अपने कॉम्बिनेशन में कहीं फिलॉसफी रख लो, और वो फिलॉसफी आपको एक जीएस के पेपर, जो एक अलग पेपर जो होता है वो इथिक्स के नाम से ही होता है, तो एक वहां फायदा हो गया, फिर आज एज अ ऑप्शनल में भी आप उसका यूज कर सकते हो। थोड़ा मोड़ा सिलेबस को ऊपर नीचे होगा तो आप उसको भी रख सकते हो, पढ़ने में आसान रहता है। तो ओवरऑल आपको मैं जो इन सब चीज़ों समझाना चाह रहा हूँ ना, वो आपके पास टाइम है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पोर्टल आज अभी ओपन होने जा रहा है, मतलब 26 तारीख को ओपन हो जाएगा। प्रिफ्रेंस भरने से पहले, क्योंकि प्रिफ्रेंस भरने में जल्दबाजी नहीं है, दो दिन का टाइम ले लो, आप आराम से कहीं पीसफुल बैठो, अपने किसी दोस्त के साथ बैठो, अकेले बैठो, खुद के साथ बैठो, अपने घर में किसी समझदार इंसान के साथ बैठो, पापा के साथ बैठो, मम्मी दादा दादी के साथ बैठो, जो आपको समझा पाए कि बेटा आप इस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा बैठ रहे हो, आप ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो मैं आपको आज बस इतना समझाने आया हूँ, आपके कैरियर की बात है, मैंने आपको हर एक चीज़ों को बता दिया कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब आप बैठ के सोच लो कि फाइनली आप किस सेक्टर में ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो कमेंट करके बताओ। और ध्यान देना कि इस वाले वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है जेन्युइन कमेंट्स के साथ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे मैं आपसे बात करूंगा, फिर मैं आपको कॉल पे भी इस चीज से काउंसलिंग करूंगा, समझाऊंगा अगर आप कंफ्यूज हो तब, ठीक है। ये ऑफर लिमिटेड है, सो प्लीज इस ऑफर का फायदा सही से उठाइएगा, कोई भी इसमें मतलब समझ रहे हो ना, हाँ ठीक है, मुस्कुराते रहिए, ब्यूटी पार्सल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज सपोर्ट जरूर करना, शेयर जरूर करना, ऑनेस्टली बहुत मेहनत लगा बनाने में से, ठीक है, ओके, हर हर महादेव।